हेलो नमस्ते दोस्तों, एसके एंटरप्राइजेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पल्वराइजर दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप सभी प्रकार के आटे, हल्दी, ड्राई कोकोनट, ड्राई खजूर, इस तरह के जो भी मल्टीपर्पज़ है वो आप ग्राइंडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सामने देख सकते हो कि ये मिल्टन का जो भी है पल्वराइजर, आप देख सकते हो 3 फुट का इसका हाइट है। दोस्तों नीचे देखेंगे तो कंटेनर है, बेसमेंट भी स्टील का है, स्टील में फिनिशिंग अच्छा है और हेवी मटेरियल दोस्तों मिल्टन कंपनी का ISI मार्क है। लेफ्ट साइड से आपको जो है पूरा मैं व्यू दे देता हूँ। जो भी लोग मतलब अपने घर में बिजनेस करना चाहते हैं या अपना मतलब अपना और आजू बाजू वालों का भी आटा पीसना चाहते हैं, गेहूँ लेके या जवारी लेके, चावल लेके, जो भी है वो आप इसमें कर सकते हो। मशीन का राइट व्यू आपको दिखा देता हूँ, ऊपर से नीचे तक जो भी मतलब आपके सामने दिखा रहा हो, जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हो। आप अपने चैनल पर नए रहेंगे तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऊपर देखेंगे तो वायर के लिए एक कंटेनर दिया है, वायर कंटेनर, वायर स्लॉट बोलते हैं इसको। ये जो ब्लैक कलर का है इसको कोड वायर कहा जाता है, इसमें 3 स्लॉट रहता है। और ये जो कोड वायर है इसका मैं आपको स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इस तरह से कुछ जो आप देख सकते हो वीडियो में आपको दिखा रहा है। ये जो है यहाँ पे लिखा है कितने mm का वायर है, क्या है, और इसके ऊपर मैं ISI मार्क दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये ISI मार्क है। ये जो है दोस्तों 15 एम्पियर का जो लाइट बोर्ड रहता है, घर में एज यूजल रहता है, 15 एम्पियर का जो बोर्ड रहता है उसमें वो लगता है, इस तरह का कुछ वो बोर्ड रहता है। बोर्ड में आप देखेंगे स्लॉट से ऑन ऑफ करने के लिए कटआउट दिया गया है। दोस्तों ये 15 एम्पियर का नॉर्मल सादा बोर्ड या ये भी बोर्ड है तो आप इसमें लगा सकते हो दोस्तों। तो कुछ तरह इस तरह से जो है प्लग इन इसमें होता है, प्लग इन होने के बाद जो आपका मशीन है वो स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से आगे आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ये ऊपर का हॉपर बोलते हैं इसको, ये पूरा स्टेनलेस स्टील में आता है। इस हॉपर में आप 5 किलो से 7 किलो तक जो भी है आपका अनाज डाल सकते हो। ये इसका कैपेसिटी 5 से 7 किलो का है दोस्तों। इसी तरह से आगे आएंगे दोस्तों तो आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि मशीन में ऊपर MCB ऑन ऑफ करने के लिए दिया है, रेगुलेटर दिया है और मैनुअल एम्पियर मीटर दिया है दोस्तों। मैनुअल एम्पियर मीटर के साथ ये जो MCB हो गया, ये हो गया आपका रेगुलेटर और ये हो गया आपका एम्पियर मीटर जो साइड में दिख रहा है आपको येलो, ग्रीन और रेड में दोस्तों। तो इसी तरह से ये जो है अच्छे से मैंने मेंशन किया है और अच्छे से दिखाने का मतलब आपको ट्राई किया है। ये जो एम्पियर मीटर है इसमें आप देख सकते हो 7, 9, 15 मतलब जो मिनिमम लोड है वो 15 के ऊपर रखना है दोस्तों। और ये जो है सामने का पोर्शन फिर से दोस्तों मिल्टन करके ब्रांड है मशीन का, और ब्रांड का जो भी है चेंबर के सामने भी प्रिंटिंग हुआ गया है अच्छी तरह से, आप देख सकते हो मिल्टन करके है। ISI मशीन है, ISI मोटर है, इसलिए डरने की कुछ बात नहीं है दोस्तों। आपको आप देख सकते हो अभी मैं आपको जो है मशीन का चेंबर खोल के दिखा देता हूँ। 10x5.5 का चेंबर है, मोटर का 2880 का RPM है, 3 HP का मोटर है। 1 घंटे में आप बारीक से बारीक 18 से 20 किलो तक और मोटे से मोटा 30 किलो तक प्रोडक्शन निकाल सकते हो। अलग अलग प्रकार की जाली आती है। ये डोर है दोस्तों, जो चेंबर बोलते हैं, ड्रम बोलते हैं मशीन का, इसको ये डोर बोलते हैं। डोर के साथ ही में आप साइड में देख सकते हो तो जिगजैग कटर दिया गया है। कटर में जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अच्छी तरह से, आई होप आप समझ में पा रहे हो मतलब जो भी मैं क्लैरिटी आपको दिखा रहा हूँ सामने सामने जो भी है वो मिल्टन कंपनी का। और पीछे आने के बाद अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्लेड घुमा के दिखा देता हूँ इसमें मतलब क्या ब्लेड में कैसा है और क्या है करके। तो इस तरह से ये कुछ ब्लेड घूमता है और यहाँ पर आपका जो है दोस्तों ग्राइंडिंग किया जाता है। ये आपका जो भी है रेगुलेटर पट्टी, और इसमें आप देख सकते हो 1 से 6 नंबर का अलग अलग जाली आता है। 1 नंबर का जाली चपाती के लिए, 2 नंबर का जाली भाकरी के लिए, 3 नंबर का जाली इडली और चना दाल के लिए, 4 नंबर का जाली बड़ा बड़ा और जो भी रहेगा, 5 नंबर 6 नंबर जो भी बड़ा बड़ा मोटा मोटा आपको ग्राइंडिंग करना रहेगा उसके लिए दिया है। दोनों स्लॉट में जाली बराबर बैठना मांगता है दोस्तों। अभी ये दोनों स्लॉट में जाली बैठ गया है मतलब ये जाली बराबर है। अभी हम आते हैं रेगुलेटर की तरफ। जो आपका चेंबर में आना जाता है उसका लोड मैनेज करने के लिए रेगुलेटर दिया जाता है। तो ये रेगुलेटर का मैकेनिज्म कैसा है, ये रेगुलेटर वर्किंग कैसा करता है, तो ये वर्किंग ऐसा करता है दोस्तों कि आप देख सकते हो रेगुलेटर ऑन ऑफ हो रहा है और घुमा रहे हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट मतलब राइट के साइड में घुमा रहे हैं। तो वो जो नीचे वाला गोल पट्टी है, जो गोल राउंड बार दिया है वो घूम रहा है, और वो राउंड बार घूमने के साथ ये जो अंदर का ये जो पट्टी बोलते हैं इसको, ये पट्टी उधर स्प्रिंग के साथ अटैच किया होता है। इस तरह से आपका ये पोर्शन से आपका अनाज जो है वो बाहर आता है दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों मशीन के साथ में आपको 4.5 से 5 किलो का जो भी है एसेसरीज में कंटेनर आ जाता है। इसके ऊपर डब्बा रिंग भी दिया है वाइट कलर का, आप देख सकते हो। साथ ही में आपको
दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर, ऐसा छः जाली आता है दोस्तों। अलग अलग यूजिंग के लिए आप जाली यूज़ कर सकते हो। साइड में लगाने के लिए हैंडल आता है, डोर हैंडल बोलते हैं उसको, यो मैं आपको दिखा देता हूँ। डोर हैंडल ब्रश और डोर नॉब, मतलब डोर रेगुलेटर भी आता है उसमें, तो आप दरवाज़ा बंद कर सकते हो। साथ ही में आपको एसेसरीज में और जो आ रहा है मैं आपको सामने दिखा ही रहा हूँ दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये डोर पट्टी हो गया, ये चार व्हील सेट हो गया और एक कॉटन बैग हो गया दोस्तों। तो इसके लिए अच्छी तरह से पूरा मशीन में कंप्लीट एसेसरीज पूरा सेट दिया जाता है। चारों तरफ से थर्मोकॉल पैकिंग रहता है, ऊपर से एक कार्डबोर्ड का पैकिंग दिया रहता है और ऊपर से कार्टन बॉक्स आता है दोस्तों। डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। मशीन के साइड में आप देखोगे तो पूरी तरह से जो भी है मेंशन किया गया है। घर पे आने के बाद